सारी तो गलियां टूटी पड़ी है। वैसे तो यह शहर का सबसे नजदीक गांव है, पीजीआई 200 मीटर है पीजीआई की दीवार, लेकिन सारी गलियां टूटी पड़ी है, सारा जो बाहर की फिरनी हुआ टूटी पड़ी है, जो बाढ़ गए और दोबारा आते नहीं, गांव का बदहाली है, कोई सुविधा नहीं है। रोहतक के कन्हेली गांव में ग्रामीणों ने किया रोड जाम। पहरावर में डल रही सीवर लाइन के चलते कन्हेली में सड़क तोड़ने के विरोध में उतरे ग्रामीण, बोले पहले ही सड़कें टूटी पड़ी है, प्रशासन नहीं बना रहा, अब और तोड़ फोड़ नहीं। जी आपको बता दें, आज रोहतक के कन्हेली में तब बवाल हो गया जब रोहतक प्रशासन पहरावर में डल रही सीवर लाइन के कार्य में बाकी बची 120 मीटर की लाइन बिछाने के लिए कन्हेली में रोड उखाड़ने पहुंचे, जिसके विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और इसका विरोध किया, जिसके चलते उन्होंने पूरी रोड भी जाम कर दी। उन्होंने बताया कि कन्हेली गांव चारों तरफ से उखाड़ रखा है और सरकार व प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। पिछले कई वर्षों से सड़कें टूटी पड़ी हैं जो आज तक नहीं बनी, तो अब इन्हें और सड़कें तोड़ने नहीं दी जाएंगी, जिसके चलते सड़क खाली करवाने के लिए पुलिस बल को भी मौके पर बुलाना पड़ा। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में ग्रामीणों ने क्या कहा। मेरा नाम संसार है भाई। क्या मामला भाई? मामला है दूसरे गांव की जो सीवर पाइप लाइन है वो हमारे गांव से गुजारी जा रही है अंदर से, ना कि बाहर से। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको डाइवर्ट करके गांव के बाहर से ले जाओ, वो बात हमारी नहीं मान रहे हो, हमारे गांव में जोड़ रहे हैं और वहाँ से पानी आओगा, ये तो हमारे गाँव का पानी, एक दूसरे गाँव का पानी, फिर हमारा हमने दिक्कत होगी, हमारा अड्डे पाइप बैक मारेंगे, समझे? यो मामला इस वजह से हम इसलिए कह रहे हैं मत जोड़ो, उन्हें डाइवर्ट कर दो भाई, ड्रेन है ड्रेन में डाल दो, इधर ये बूस्टर है इसमें डाल देंगे, ये हमारी बात नहीं सुन रहे। एप्लीकेशन भी है, सारी चीज है, काम के बड्डे भी है छोटे भी है, लुगाई भी है, सब आ रही है यार, तो अफसर किसी की बात नहीं मान रहे हैं। बस क्या कह रहे हैं अफसर, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो अपना कुछ नहीं कह रहे, बस एक बार बात कर लो, उधर काम चलवा रहे, बात कर लो, वो अपने तर्क देता जा रहा है तो जो बेतुके हैं। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं भाई ना छोड़े, हम तो ये चाहते हैं हमारे गांव का पानी ना हो। हाँ, हमारे गांव में दूसरे गांव का पानी क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा मनजीत कन्हेली नाम है भाई, और हमारा पूरा गांव चुपर जैसे पाड़ रखे है, गांव में जाके देखो आप बुरा हाल कर रखे यार, ये फिर पाड़ लाग रही है, ऊपर और गए बोल रहे ऊपर और हाथ मेरा भाईचारा भाई, हम उस चीज से कोई एतराज करें, लेकिन हमारा समाधान करो, इस पाइप में आगे नीचे आगे बराबर में एतराज, ये पूरा गांव राम खिलाफ इस चीज से, आज कच्चे और कान रोड जाम करेंगे तो ठीक बात नहीं है, इसका समाधान लिया है हम प्रशासन तैयार कहा अधिकारियों से, ठीक हमारा समाधान ठीक करो, पहले हमारा पूरा काम पाड़ रखे तो कर देते, ये फिर पाड़ लाग रहे हैं, तो इसका समाधान थोड़ी है, तमाम सही करने लाग रही है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी तो कुछ नहीं कह रहे, अधिकारी तो पहले पाड़ रखे तो काम तो कर ध्यान रखा, अब पूरा काम पाड़ रखे है, ये फिर पाड़ लाग रहे हैं तो गलत क्यों करने लाग रहे हैं, तो काम राम नाराज है पब्लिक नाराज इस चीज, तो इसका समाधान होना चाहिए। जी हमारे गांव में सड़ा पहले गंदे पानी से गांव बना जी, पर से ला करके जमीन से यह खोज ली गवर्नमेंट ने, आई गंदे नाले का डालना गया कि तब ठाक बता दो कि कड़ेली कड़ेली ने कह दो। अच्छा, जो पार्षद है वो यहाँ नहीं आता काम के लिए? पार्षद नहीं आता गांव में काम के लिए? नहीं आता। अच्छा, तो आज रोड जाम किया आप लोगों ने? आज ये पार्टी से जब काम में होगी जब किसी के पर और या जीवा होगी क्यों इस तरह से रोड जाम किया आपने? मेरा नाम प्रदीप है, यहाँ परावर गांव से सीवरेज की लाइन आ रही है, हमारे गांव के अंदर गले जा रहे हैं, जो पहले गाड़ नहीं बना रहे और अंदर गले जा रहे हैं, इस रोड के साइड के चाहे नहर के साइड के वहाँ गले जाओ, हमने कोई दिक्कत नहीं, काम हमारा बहुत बढ़िया भाईचारा है, और ये जो अधिकारी हैं ये गांव का और कह रहे हैं कि भाई तुम उसका नहीं, हमारा परावर का बहुत बढ़िया भाईचारा है, उधर का क्यों नहीं ले जाना था? ये सिर्फ भ्रष्ट सरकार है और दादागिरी दिखा रही है,
आज गांव पूरा नहीं है, ये तुरंत का है, कल हमारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, हम यहाँ निकलन नहीं देंगे। अच्छा तो आगे किस तरह से आप लोग रोड के साथ आगे यार नीति रहेगी? रोड के साथ साथ ले जाओ, रोड पे तो हमारा गांव का पार्षद भी हमारे गांव से नहीं है, रणनीति आ रहेगी आगे भी, हमारी वोट लेते रहे हैं पहले, अब की बार हम अपने गांव से बनाएंगे, बार बहुत वोट दे ली, अब यहाँ कोई पार्षद नहीं आ रहा, वोट मांगने आ जाते हैं, अपने गांव से बनाएंगे और इसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अधिकारी बेवजह तंग कर रहे हैं, बाहर चले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, और परावर गांव का हमारा भाईचारा है और भाईचारा रहेगा, परावर गांव से हमारी दिक्कत नहीं। अब एक बार आप चक्कर लगा के देखियो, सारी तो गलियां टूटी पड़ी है, वैसे तो यह शहर का सबसे नजदीक गांव है, पीजीआई 200 मीटर है पीजीआई की दीवार, लेकिन सारी गलियां टूटी पड़ी है, सारा जो बाहर की फिरनी वह टूटी पड़ी है, जो बाढ़ गए और दोबारा आते नहीं, काम का बदहाली है, कोई सुविधा नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कहा है कि 5 मिनट में यहाँ से रोड खाली कर दे, नहीं तो मुकदमा दर्ज करेंगे। पुलिस प्रशासन अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अगर यहाँ 20-25 मुकदमे लगा देंगे, भाई मुकदमे लगा दोगे, इसीलिए तो कह रहे हैं बेमतलब की वजह की बात है, नहर के पास ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन कल लीक होगी फिर पाड़ देंगे, मैडम आके देखना, ये 2 महीने बाद भी ऐसे मिलेगी, इस पर मिट्टी ढक देंगे, पूरे गांव की गलियां रोड टूटे पड़े हैं। एक सीवर का है इधर से जो लाइन बची हुई है, करीबन 120 मीटर का कनेक्शन हम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरा ही प्रोजेक्ट जो पेंडिंग है, तो उसके कनेक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर गांव वाले विरोध कर रहे हैं इसका? मैडम वो हम बात कर रहे हैं, बात करके सुलझा रहे हैं, इसको हो जाएगा मैडम, कभी नहीं सुलझे, झूठ बोल रहे।